हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं, एक सोच है, और इस सोच को हराने के लिए दुश्मन हर पैतरा इस्तेमाल करना चाहता है। मैडम, हाईजैकर्स ने प्लेन अमृतसर में लैंड किया है। कॉल काउ, ये पिछले 5 साल में 7 ही हाईजैकिंग है। व्हाट हैव वी डन टू स्टॉप इट? एक इंसान है जो इस केस से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन दे सकता है। व्हाट इज हिज नेम? ओके, आई अंडरस्टैंड द प्रोटोकॉल। व्हाट इज हिज कोड नेम? बेल बॉटम। शादीशुदा, शार्प मेमोरी, नेशनल लेवल चेस प्लेयर, यूपीएससी दिया है, गाना सिखाता है, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच बोल और लिख लेता है। ये ले पहुंच, वरना पिछवाड़े का वेलक्रो बन जाएगा। तो बताइए, आपका एनालिसिस क्या कहता है? They are the mastermind behind this hijacking. While we wait for the Pakistani diplomats and intel officers, raw operation की तैयारी करें। मैम, अब बचे हुए फ्यूल से ये लोग मिडीस्ट के 3 पॉसिबल डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं, दुबई, अबू धाबी एंड मस्कट। हमारे पास मौका है वो कर दिखाने का जो अब तक हुआ नहीं। क्या कर सकते? A covert operation. Your deadline is sunset. क्या सोचा? Game on. मैं एम्बेसी के काम से बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? कोची। No pause, no hesitation. मतलब सच बोल रहे हो? या फिर झूठ बोलने में माहिर हो गया हूँ? I love you. हमारी टीम रिफ्यूलिंग क्रू बनकर प्लेन के रिफ्यूलिंग डक पहुँच जाएगी। और अगर प्लान फेल हो गए? Is there a plan B? Yes, army. इंडियन आर्मी दुबई में या किसी भी फॉरेन सॉइल में एक कंसीडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर, मिनिस्ट्री को हैंडल करने दीजिए। सर, चेस में डबल्स नहीं खेला जाता। हमारा मकसद है 210 हॉस्टेजेस को बचाना और टारगेट है 4 हाईजैकर्स। दुबई में एक सपोर्ट ग्रुप है जो हमारी मदद करेगी। कोई भी हरकत करने से पहले सोच लेना, गार्ड सिक्योरिटी हर जगह मौजूद है। याद रहे, हमारे पास सिर्फ 7 घंटे। अब हिंदुस्तान नहीं झुकेगा। हारते बहुत हैं यार ये लोग। इस बार उनकी हार।